नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े का एक कुलटीट पीस ले लिया है, लाइनिंग का कपड़ा, सेंटर में फॉर्म सीट, ऊपर से मैन फैब्रिक रख के इसमें सिलाइयां लगा ली हैं। ये देखिए, आप चाहें तो फॉर्म सीट की जगह राइस बैग का यूज कर सकते हैं। लेंथ है इसकी 31 इंच, विड्थ है इसकी 15 इंच। अब देखिए, सबसे पहले इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए, खुली वाली साइड से इस तरह इंच टेप को रखेंगे, 3.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब यहां से इसे गोलाई दे देंगे, जैसे बाजू में हम गोलाई देते हैं इस तरह गोलाई दे देंगे। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, यहां से नीचे तरफ 2 इंच में निशान लगाएंगे। अब देखिए, मैंने कार्डबोर्ड कट किया है, लेंथ है इसकी 4 इंच, विड्थ है इसकी 2.5 इंच। अब देखिए, इस निशान से इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब इसकी चार तरफ निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे, पहले इस तरफ फोल्ड करेंगे इसे, अब इसे कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह रखेंगे बिल्कुल बराबर। अब यहां पे और पिन लगा लेंगे। अब देखिए, निशान लगा लेंगे। और पिन हटा लेंगे। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब कार्डबोर्ड लेंगे, इसी साइज का कार्ड हमने यहां पे किया है। एक कपड़े का पीस लेंगे, इसे सेंटर में रखेंगे। देखिए, चार तरफ से 1-1 इंच के गैप देके हमने कपड़े की कटिंग की है। इसे अलग रख देंगे, इसे इस तरह रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। इसके चारों तरफ और पिन लगा लेंगे। अब इसे पलटेंगे। अब देखिए, इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसे भी सिलाई का मार्जिन देख के कट कर लेंगे, सिलाई को छोड़ के कटिंग करेंगे। कॉर्नर में कट लगा लेंगे। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए चारों तरफ पाइपिंग बना लेंगे। देखिए, दोनों तरफ हमने सेम तरीके से फिनिश कर लिया है। अब देखिए, कपड़े की एक लंबी पट्टी हमने और ली है, विड्थ इसकी 1.5 इंच। अब इसे इस तरह रखेंगे, यहां से सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह घुमाते हुए पूरे में यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे इस तरह पलटेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे में पाइपिंग बना लेंगे। देखिए, सेम तरीके से दोनों तरफ पाइपिंग बना ली है। अब इसे अलग रखेंगे। देखिए, कपड़े की एक पट्टी मैंने और ली है, लेंथ है इसकी 5 इंच, विड्थ है इसकी 3 इंच। अब देखिए, यहां से इस तरह 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहां से फोल्ड करेंगे, फिर यहां से फोल्ड करेंगे। और देखिए, इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब इसे अलग रखेंगे, इसे लेंगे, पट्टी को लेंगे, फोल्डिंग वाली साइड छोड़ देंगे, इस साइड से अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, यहां पे रखेंगे। देखिए, इस तरह बिल्कुल सेंटर में। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक वेलक्रो का छोटा सा पीस लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब इन्हें इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे पकड़ेंगे, इस साइड लाएंगे। देखिए, इस तरह से वेलक्रो का दूसरा पीस लेंगे,
इस तरह रखेंगे। अब इस तरह रखते हैं, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए एक सिलाई इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने सीधी साइड से लगाई है। अब देखिए यहां से इंची टेप पर रखेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहां से रखेंगे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऊपर की तरफ 1.5 इंच तक खींच लेंगे, यहां से इसे मिला लेंगे। इसी तरह इधर से भी निशान लगा लेंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब अंदर से भी इसमें एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक। इसे हमें अलग से पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए अंदर से इसके रफ एजेस कवर हो गए हैं। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब देखिए इससे कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से, एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे यहां तक लगा लेंगे, फिर इसे पकड़ेंगे, इसमें भी एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए कॉर्नर को अंदर से पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा शॉपिंग बैग बिल्कुल रेडी है। ये देखिए।